नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन, माफी चाहती हूं कल वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सबको एक नई अपडेट देना चाहती हूं और ये नई अपडेट डायरेक्टली एम्स के हॉस्पिटल के मेन डायरेक्टर जो हैं, जिनका नाम रणदीप गुलेरिया जी है, उन्होंने दी है। और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इतने हफ्तों से, एक हफ्ता ज्यादा हो गया है, आज 11वां दिन है, तो 1.5 वीक से हमें जो भी अपडेट मिल रही है या जो भी हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वो हमें उनके मैनेजर थ्रू, उनकी वाइफ के थ्रू, उनकी बेटी के थ्रू, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स के तरफ से ही मिली है। लेकिन अब राजू श्रीवास्तव जी के लिए जो अपडेट आ रही है वो डायरेक्टली डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से आ रही है, जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं और डायरेक्टर हैं एम्स हॉस्पिटल में, दिल्ली में। और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट करी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये जताया है कि ये मामला जो है वो देश का हो सकता है क्योंकि फैन फॉलोइंग है, परिवार है, बहुत कुछ है, लेकिन ये महज एक स्टोरी या एक अपडेट नहीं मानकर आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप लोग जो न्यूज फैला रहे हो वो जो फेक न्यूज है, स्पेशली कि उनका ब्रेन डेड हो गया है, वो मर गए हैं, वो ऐसा वो वैसा, 5% हुआ है कुछ बदलाव, 10% हुआ है, तो ये जो हम लोग 10% 5% की बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीइंग अ डॉक्टर हम लोगों ने आपसे ये सब शेयर नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक परिवार का मामला है और ये परिवार का निजी मामला है जिसको इतना न्यूज में, इतना मीडिया में फैलाना नहीं चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि राजू श्रीवास्तव जी की फैमिली को सिर्फ जानने का पूरा अधिकार है कि अभी क्या हो रहा है, हर मिनट की खबर एक अपडेट की तरफ से हॉस्पिटल से देना नामुमकिन है। और जो रिलेटिव्स है वो देख के जो जा रहे हैं, जो परिवार है वो जो देख रहे हैं, वो जो सहन कर रहे हैं अपने पिता, अपने पति, अपने बेटे, अपने दोस्त के लिए, वो अनएक्सप्लेनेबल है, वो एकदम से अनएक्सप्लेनेबल है, वो कंडीशन समझाई नहीं जा सकती। और उस पर अपडेट मांगना, अपडेट देना पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं इन अफवाहों को करेक्ट करने के लिए पहली बार बोल रहा हूं, उन्होंने कहा। और इसलिए रणदीप गुलेरिया जी ने ये कहा है स्पष्ट रूप में कि कोलकाता से जो डॉक्टर आई थी, डॉक्टर पद्मा, उनके आने के बाद, जो कि और एक चीज, वो एम्स में पहले काम करती थी और इसलिए उनको बुलाया गया है क्योंकि वो बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। और उनके आने के बाद जो ट्रीटमेंट शुरू हुई है, जो चेंजेस आए हैं, वो ये नहीं बिल्कुल कह रहे हैं कि गंभीर अवस्था से वो बेटर अवस्था में आ गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा है कि राजू श्रीवास्तव जी की हालत गंभीर है, क्रिटिकल है, इट इज वेरी क्रिटिकल एंड इट इज स्टिल डेंजरस। वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं आए हैं। ये बहुत ही दुखी खबर है लेकिन ये सच्ची बात है। ये जो बातें आ रही थी कि सुधार आया है, वो महज एक, मैं कह सकती हूं, एक रिलेटिव को, एक परिवार के सदस्य को एक थोड़ी सी भी हलचल होती है ना तो वो इम्प्रूवमेंट ही लगेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि राजू श्रीवास्तव जी उठ जाए, वो ठीक हो जाए, तो उनके लिए एक हल्की सी मूवमेंट भी बहुत बड़ी बात रखती है। मुझे अफसोस होता है जब हम कोई चटपटी बातें सुनते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, बट और आज भी ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में ऐसी घटिया बातें फैला रहे हैं और उनको काफी पब्लिक देखते हैं, लेकिन मुझ जैसे या मेरे जैसे 2-4 जन जो हैं, कुछ बड़े बड़े चैनल्स हैं और कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो सच की राह पे चल रहे हैं, सच्ची खबरें दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों को राजू श्रीवास्तव जी की अपडेट जानने में कोई उतनी दिलचस्पी नहीं है। ये मैं आपको पूरी तरह से सच्ची बात कह रही हूं। आप लोगों को बिल्कुल भी अपडेट जानने का कोई उतना शौक नहीं चढ़ा है।
आप लोग, मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों को बुरा लगे तो, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी क्षमा चाहती हूँ और जो मेरे YouTube फैमिली है उनसे भी क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं फैक्ट बात कर रही हूँ। अगर मैं आज कोई नई खबर यानी कि सलमान के ऊपर या बॉलीवुड के बारे में या कुछ ऐसी तड़कती भड़कती खबर लेकर आऊं तो आप लोग डेफिनेटली वीडियोस देखते हो, लेकिन जहां बात आ जाती है राजूज हेल्थ अपडेट्स, ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। मैंने देखा काफी लोगों की चीजें देखी, क्योंकि आप लोगों को ये है कि ठीक है सब तो जाते ही हैं, एक ना एक दिन तो किसी को जाना ही है, तो हम अपडेट के लिए वेट करते हैं वो जिंदा है या मर गए। नहीं, ऐसा मत करिए। और क्योंकि आप लोग सब लिखते हो ना, वी प्रे फॉर यू राजू, वी आर देयर विथ यू राजू, तो कृपया करके मीन करिए इसको। और प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, जैसे कि हमेशा हम लोग कह रहे हैं ये चीज, तो प्रार्थनाओं में कोई भी कसर मत छोड़िए, कंजूसी मत करिए। आप वीडियो देखे ना देखे वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं में राजू जी को बिल्कुल याद करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजू जी जाग जाए एंड राजू श्रीवास्तव वही गजोधर भैया बनकर वापस आए, जैसे कि हर्ष ने कहा ही मिसेज हिम। मैं तो बहुत सारे नाम लेकर मैं बोलती हूँ, राजू जी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और वो अगर हमसे बिछड़ गए ना, ट्रस्ट मी हमारे चेहरे से खुशी निकल जाएगी, ट्रस्ट मी। वो बहुत अच्छे इंसान है एंड जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एम्स हॉस्पिटल रणदीप गुलेरिया जी ने कहा, कीप प्रेइंग एंड क्रिटिकल हैं राजू श्रीवास्तव, अभी भी क्रिटिकल है, लेकिन एक चीज अच्छी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फ्रॉम ICCU ही इज नाउ शिफ्टेड टू ICU। खतरा नहीं टला है, लेकिन खतरे के लेवल्स जो हैं वो पार कर रहे हैं राजू जी, और वो जीत की तरफ जरूर आएंगे, जरूर जरूर जरूर, ये मेरा दृढ़ मतलब एक विश्वास है। एंड मैं जानती हूं कि पूरी जनता जनार्दन भी यही सोच रही होगी कि वो लेवल्स पार करके फाइट करके निकल आएंगे, यही आशा है और यही प्रार्थना है कि इस रिक्वेस्ट के लिए आप लोग सब प्रार्थना करें। और बस यही बात है, फेक न्यूज ना फैलाएं और फेक न्यूज पर इतना विश्वास भी ना करें। राजू श्रीवास्तव की हालत अभी बहुत खराब है, ICU में शिफ्ट हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में अभी पूरी टीम काम कर रही है, पूरे डॉक्टर की टीम यही इच्छा कर रही है कि राजू श्रीवास्तव जी जल्द से जल्द उठ जाए। बस यही मनोकामना है आप लोगों से कि अच्छा सोचे, बी पॉजिटिव फॉर हिम, अपना भी ध्यान रखे और प्रे करते रहिए। जय हिंद, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। आज यहीं तक, कोई नई खबर आने पर जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए आपकी भूमिका मैम, भूमिका दीदी को इजाजत दीजिए। जय हिंद।